हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर किसान एकता संघ द्वारा आहोर तहसील के किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। सोमवार को धरने के दौरान किसानों ने आक्रोश जताते हुए किसान भाइयों को संबोधित भी किया। विषय अंतर्गत निवेदन है कि वर्ष 2017 में खरीफ फसल खराबी का बीमा कंपनी द्वारा किसानों के साथ भेदभाव कर कुछ लोगों को ही क्लेम आवंटित किए गए हैं। ज्यादातर किसान बीमा क्लेम से वंचित रहे हैं। बीमा कंपनी द्वारा छल कपट करके किसानों के प्रीमियम राशि हड़प रही है और क्लेम की राशि नहीं दे रही है। बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही कर तुरंत राशि दी जाए। ये है कि वर्ष 2018 खरीफ फसल बुवाई के बाद अभी तक बारिश नहीं होने के कारण पूरी फसल सूख गई है और इसीलिए पूरे जिले में अकाल घोषित कर दिया जाए। वर्ष 2016 की खरीफ फसल में आहोर क्षेत्र के घाना, भोरडा, कांबा, कवला आदि गांव में खराबे के बाद भी बीमा क्लेम नहीं दिया सो तुरंत दिया जाए। आहोर क्षेत्र में 2015, 2016 और 2017 का अनुदान अभी तक कई किसानों को वितरित नहीं किया। बार बार खाता नंबर देने के बाद अनुदान राशि किसानों के खाते में जमा नहीं हो पाई है। इससे संबंधित अधिकारी तुरंत कार्यवाही की जाए और वंचित रहे किसानों के खातों के तुरंत अनुदान राशि जमा की जाए। केंद्र सरकार द्वारा फसलों के समर्थन मूल्य तय करने के बाद कृषि मंडी प्रांगण में समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बोली लगाने वाले कर्मचारी और व्यापारियों द्वारा समर्थन मूल्य से कम खरीदने पर कानूनी कार्यवाही की जाए। जवाई तारबंदी का अनुदान हर किसान के लिए अनिवार्य किया जाए। किसान के 60 वर्ष पूर्ण होने पर कृषि कार्य से सेवानिवृत्त होने पर उसे मासिक पेंशन प्रति माह 3,000 किया जाए। जालौर जिले के प्रवासी भाइयों के लिए बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई से जोड़ने हेतु शीघ्र रेल सेवा शुरू की जाए। जालौर से लेटा रोड पर ट्रैफिक की परेशानी को देखते हुए रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण करवाया जाए और आहोर क्षेत्र के किसानों की मांगों पर तुरंत समाधान नहीं किया तो किसान एकता संघ मुख्यमंत्री के गौरव यात्रा का विरोध करेंगे। ये सभी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में एडीएम संजय वासु और कृषि अधिकारियों के साथ किसान भाइयों की वार्ता चल रही है। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।